ओके गाइस सुनो, सबसे पहले आज हमारे सारे एनर्जी के संबंध है, ठीक है। तो एनर्जी में जो लगने वाले हमारे फॉर्मूलाज है वो मैं तुम लोग को सारे बता देता हूँ, ठीक है। तो लोग अच्छे से लिखो उसको, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका डेरिवेशन किया है गाइस, प्लीज अगर जिसको पढ़ना होगा वो वापस से पढ़ ले, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम मास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एक्स मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहां तक सेम है, बॉक्स बनाओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड द लास्ट, टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एट, ये तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। मतलब आज जो हमारे आज जो कैरेथोड होंगे समझो सारे के सारे ये फॉर्मूला के बेसिस पे होने वाले हैं। लिख लो गाइस, लिख लो फटाफट, लिख लो इसको, फिर शाम की तरफ भागते हैं। ओके, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। इफ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ पाथ लेंथ 20 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 600 ऑसिलेशन पर मिनट, फाइंड इट्स एनर्जी एट दी, सॉरी फाइंड इट्स एनर्जी, एक मिनट सॉरी सर, देखो फाइंड इट्स एनर्जी उन्होंने बोला है, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट अ मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन। लिख लो भाई, अच्छे से लिख लो इसको। ओके, इसमें तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा ध्यान देना गाइस। यहां लिखता हूँ गिवन फर्स्ट पार्ट, अब इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, तो मास दिया 50 ग्राम, जो किलोग्राम में कन्वर्ट करें, 5 into क्या जाएगा, सॉरी 15 to 10 raised to -3 किलोग्राम है, सॉरी, ठीक है। सेकंड, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ पाथ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर है,
उसको मीटर्स में कन्वर्ट करो और ये मीटर्स एट द रेट ऑफ 600 ऑसिलेशन, मतलब 600 ऑसिलेशन करना आपने, 600 ऑसिलेशन, इसका मतलब ईटा, देखो 600 ऑसिलेशन पर मिनट बोला है तो मतलब हाँ फ्रीक्वेंसी है ना, कितनी वो 600 है, 600 ऑसिलेशन पर मिनट है, तो हमें इसको क्या करना है, पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। फाइंड इट्स एनर्जी, मतलब हमें एनर्जी फाइंड करनी है, किस चीज की, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है एनर्जी, अब ये एनर्जी का मतलब वो टोटली इंडिकेट करता है कि तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है टोटल एनर्जी फाइंड करनी है सबसे पहले। अगर ये देखो यहाँ पे बोला फाइंड इट्स एनर्जी, मैं तुम्हें याद समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे सबसे पहले पूछा है इसकी टोटल एनर्जी, तो हमें जब टोटल एनर्जी निकालनी होती है, सो टोटल एनर्जी तो मैं जस्ट मैंने फॉर्मूला दे रखा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला का चेक करोगे तो फॉर्मूला क्या है उसका, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू मास हमारे पास है 50 इंटू 10 रेस टू माइनस थ्री ओमेगा, हाँ ओमेगा तो नहीं है, ओके ओमेगा ढूंढना पड़ेगा, तो ओमेगा कहाँ से ढूंढेंगे, तो सबको पता होगा ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई ईटा होता है, सबको ये पता है बराबर, ठीक है। देन दिस इज 2 पाई फिलहाल ऐसे रखो, ईटा कितना आता है, देखो 10 आता है, ठीक है 10 आता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ईटा को 10 डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 20 पाई रैड पर सेकेंड ऐसा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे दिस विल बी 20 पाई मोल स्क्वायर, ओके। अब इंपॉर्टेंट वाली बात आती है, ऐसा बोला है जो पाथ जो टोटल कवर करता है, जो लेंथ कवर करता है वो कितनी 20 है, 20 सेंटीमीटर, जिसको मीटर्स में कन्वर्ट करती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 20 × 10⁻², एंड दिस इज होल, दिस इज माइनस टू, दिस इज होल स्क्वायर, इसको अच्छे से करना है, देखो 1/2 50 × 10⁻³, 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 400, ये 10⁻², ठीक है कट कर दे 200, अब देखो हाँ 2 × 10, 10 × 4 मतलब हो जाता है 40, बराबर ये 40 और कितने जीरो, देखो 1, 2, 3, 4, 5 × ये −3, ओके पाई स्क्वायर भी भूलना नहीं है, −3 − 4 मतलब 10⁻⁷ हो जाता है, ओके बहुत सारे जीरो से गए इनको सॉल्व करेंगे, ये पाई का स्क्वायर मतलब हो जाता है वो 3.14 हो जाता है, इसका स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10⁻⁷, 4 × अच्छा गाइस अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अच्छे से, दैट इज 3.14 × 3.14, तो ये पूरा 9.8596 और 10⁻¹, ठीक है दिस इज इनटू 4 करेंगे, ये आंसर आता है इसका, this is nothing but 39.4384 10⁻¹, 1 point shift कर दे guys तो ऐसा आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा total energy will be equals to 3.94384 joules, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ये हमारा total energy हो गया, ठीक है। अब आगे की बात सुनो guys please, यहाँ पे देखो लिखने में interest मतलब तुम्हें time मिलेगा लिखने के लिए, please यहाँ पे देखो पहले, देखो ये वाला इंटरेस्टिंग वाली बात सुनो,
यहाँ पे बोला ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट द मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन। पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, तो तुम्हें समझेगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये मिडवे है, ये एक्सट्रीम है, आई एम सो सॉरी, ये मीन है, ठीक है, ये मीन और एक्सट्रीम है, उसके बीच में का मिडवे। तो हमने क्या बोला, पूरी जो लेंथ है पाथ की इतनी, वो कितनी है, 20 है लेंथ, ये टोटल लेंथ उसकी 20 है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बता रहा हूँ, टोटल लेंथ कितनी है उसकी, टोटल 20 है। तो मिडवे का पाथ पूछा, मिडवे मतलब कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। आया क्या ध्यान में सबको मैं क्या बता रहा हूँ गाइस, यस सर। हाँ, तो हमें यहाँ पे कैसे करना है, देखो ए तो हमारे पास टोटल जो अपने पास, अच्छा तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, इधर करता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, देखो ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताना, ये अपना यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा पूरा एम्पलीट्यूड है, दिस इज 20 से एम्पलीट्यूड कम्प्लीट्यूड, यहाँ 20 है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक बताना, 10 तक बताना, मतलब ये एक्स बनता है और ये ए बनता है, ये पूरा और ये x और ये पूरा a, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। सो a तुम्हारे पास अगर पकड़ के चलोगे पूरा 20 है, जो मैंने यहाँ पे यूज किया, मैं तुम लोगों को a लिख के देता हूँ फाइनल जाते जाते, ये 20 into 10 raised to minus 2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट मिडवे का निकालना, मतलब बीच का निकालना, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, देखो a अपॉन 2 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 20 अपॉन 2 10 raised to minus 2। So, x के वैल्यू मेरे पास कितने आ जाएगा, 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 मीटर आ जाएगा, हो गया। अब यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलो मान लो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, सबको पता है दिस इज हाफ इंटू मास, कितना है हमारे पास मास 50 into 10 raised to minus 3। ओके, मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ये ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना गाइस, वो यही आने वाली है, देखो यही है वो, इधर क्या ये वैल्यू आने वाली है, कोई फर्क नहीं होने वाला है, वो सेम ही है। तो मेरा क्या बोलना है गाइस, डायरेक्टली क्यों ना वही वैल्यू हम कॉपी कर रहे ना, डायरेक्ट क्यों बार 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 इतना 20 स्क्वायर वगैरह सब लिखते बैठे, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब देखो ये है एक्स स्क्वायर तुम्हारा, ये लगे तो रेस टू पावर 1 करो, 1 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा, 10 रेस टू माइनस 1 मीटर, ऐसा आ जाएगा। सो 10 रेस टू माइनस 1 मीटर और ये होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, ये यू कैन कट दिस आउट, दिस इज 200, ऐसे कट कर लो, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, देखो 5 टू 10 हो जाएगा, कितना जीरो होंगे, 0.0 और ये मतलब ये 10 रेस टू 4 हो जाएगा, ऐसे ये 10 रेस टू माइनस 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 10 रेस टू माइनस 2 और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 माइनस 3 मतलब 1 होता है, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 होता है, ठीक है, और पाई का स्क्वायर सबको पता है, मैंने अभी जस्ट इसके पहले किया था 9 पॉइंट समथिंग इट वाज 3.1, हाँ तो ये 9.8596 था, ठीक है, और ये 4 माइनस 3 कितना आता है, 1 माइनस मतलब माइनस 1 आता है, 10 रेस टू माइनस 1 आता है, तो इसका माइनस 1 अगर आगे शिफ्ट कर दो तो मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, कितनी है, 0.985 जूल, ये आती है। सबको समझा गाइस, समझा नहीं है, यस सर। अच्छा मुझे बताओ, सबका एक क्वेश्चन लिख के हो गया है तो मुझे बताओ, तो मैं इरेज कर देता हूँ। यस सर, लिख के हो गया ना क्वेश्चन सबका, ठीक है, इरेज कर दूँ, ओके। अभी नेक्स्ट ढूंढना है हमें काइनेटिक एनर्जी, ओके,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इनटू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज हाफ इनटू एम मतलब क्या है देखो, एम मतलब आ जाएगा मास. कितना है वो 15 टू 10 रेस टू माइनस 2 डायरेक्ट डालता हूँ 400 पाई स्क्वायर. ए इसको मेरा टोटल एम्पलीट्यूड कितना था अपना 20 था ना, माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आती है 10 हाफ किया ना हमने ठीक है. लिंक कट दिस आउट 2 5 10 तो यहाँ पे 2 मतलब ये 10^4 हो जाएगा, ये 10^-2 हो जाएगा पाई स्क्वायर अलग से. ओके ये हो जाएगा 400 इंटू 10^-4 माइनस ये 100 इंटू 10^-4 ध्यान से देखो. हाँ 4-2 मतलब हो जाता है 10^2 हो जाता है. देखो पाई का स्क्वायर 3.1 का 4 का स्क्वायर हमने किया है ना 9.85 तो ही ला देते हैं 9.8596. 400-100 मतलब हो जाएगा 300 इंटू 10^-4 ठीक है. मतलब ये मल्टीप्लाई करें अच्छे से इतना आता है 2957.88 2-4-2 अगर 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हो तो हो जाएगा 29.5788 बस जूल्स. ये आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर है गाइस. तो को समझाइए गाइस, दो तीन से हमारा करना है कैसे मैं अच्छे से इसमें, फिर एनर्जी का पार्ट एक्चुअली तुम्हारा पूरा खत्म होगा, फिर इसमें एक नेक्स्ट थोड़ी सी थ्योरी बाकी है बस दैट्स इट. लिख लो गाइस फटाफट चलो. Okay, guys, the question is when the displacement in SHM is 1/3 of the amplitude, displacement मतलब x पकड़ना है, amplitude मतलब a पकड़ना है, भूलना नहीं है, ठीक है? What fraction of total energy is kinetic energy? And what
फ्रैक्शन इज पोटेंशियल एनर्जी, इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये 2000 के एग्जाम में आ चुका है, मार्च 2000 में आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, रेडी? गिवन बाय क्या है, वेल उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, है वेन द डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम मतलब एक्स इज वन थर्ड ऑफ एम्पलीट्यूड, वन थर्ड एम्पलीट्यूड का ही है, ऐसा ही है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, ये फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी क्वेश्चन, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस सिंपल है, हमें क्या करना है, दोनों का फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर और नीचे, और जब कट है तो कट करो, उनकी जगह वैल्यूज डाल दो। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज हाफ क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर ए, देखो ये और ये कट हो गया, x की वैल्यू कितनी है, वन थर्ड अपॉन a है, तो क्या जगह देखो, वन अपॉन थ्री a, और यहाँ पे होल स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर अपॉन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इनटू दिस, एक सेकंड ना गाइस, दिस इज a स्क्वायर है ये, वन थर्ड ऑफ ए है ना, ऐसा क्यों आ रहा है, ए का स्क्वायर ये हो जाएगा नाइन, एक मिनट, ओ सॉरी गाइस मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, सो सॉरी, वो बस गड़बड़ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो सॉरी उल्टा हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन थ्री होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन नाइन अपॉन वन अपॉन दिस इज ए स्क्वायर, नाइन इंटू दिस क्या हो जाएगा, नाइन ए स्क्वायर, दिस इन दिस दिस इज ए स्क्वायर, नाइन इंटू वन दिस इज नाइन, और नीचे का ए स्क्वायर इसके बाजू में लिख लेते हैं, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, दिस इज a, a स्क्वायर अपॉन 9 a स्क्वायर, कट करो 8 अपॉन 9 आता है, कट कर लीजिए, हां चलो फर्स्ट स्टेप में उधर a स्क्वायर आएगा ना, क्या हां इधर a स्क्वायर ही है, हां a स्क्वायर, हां अभी क्या ढूंढना है, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ढूंढना है, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी, पहले कौन सा था अपना, सर अपने पहले ये ढूंढ लिया, सेकंड ये था, हाँ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी होगा हमारा, राइट, तो अगर चेक करें हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टू दिस इज टोटल एनर्जी, सॉरी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये खटाखट कट हो जाएगा, x के जगह पे a अपॉन 3 जाएगा, ये भूलना नहीं है, 1 अपॉन 3 a और ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन दिस इज a स्क्वायर, अभी करो a स्क्वायर अपॉन 9 एंड दिस इज a स्क्वायर कट करो इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, ऐसा, ठीक है गाइस, चलो लिख लो इसको फटाफट, लिख लो प्लीज, जल्दी लिख लो, खत्म करो इसको।